हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र कल यानी कि शुक्रवार को जारी करेगी। घोषणा पत्र कमेटी ने पार्टी का वादा पत्र जो है वो तैयार कर लिया है। कांग्रेस हाईकमान ने भी 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार घोषणा पत्र पर अपनी मुहर लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा पत्र के मौके पर मौजूद रहेंगे। जब ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 11 अक्टूबर को सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस मुख्यालय में लगभग 12 बजे घोषणा पत्र जारी करने के वक्त मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या हो सकता है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। 24 घंटे में किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता है। घोषणा पत्र में सभी वर्गों को राहत पहुंचाने की बात कही गई है। किसान, मजदूर और कमजोर तबके को ऋण दिया जाएगा। पराली की समस्या से राहत के इंतजाम का वादा भी हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार के लिए भी इसमें जिक्र किया जाएगा। ग्रेजुएट बेरोजगार को 7,000 रुपए हर महीने का वादा किया जा सकता है।